लक्ष्मी पापात्मनां प्रपदियां हृदये सुबुद्धि। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। चलो जीजा जी, मैं भी निकलता हूँ अहमदाबाद के लिए। निकलो निकलो। क्या अभी इसी वक्त? अरे वो जा रहा है तो जाने दो, अभी बेचारा थक गया है, को घर जाकर सोने दो। निकल भाई निकल। टीना को आप ऐसे मत डांटिए, तो ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। ये नाक वड़ी एक लाफा लगाऊंगा ना, शादी को 3 घंटे नहीं हुए अभी से पत्नी का पालतू हो गया। देखो वो बेटा। ये भाई ये जेठिया। अरे अभी अभी तो दोनों की शादी हुई है और तू डांट रहा है। सॉरी। चल बेटा चल, तू भी आगो हटने हवे। चल आ। चले बापू जी, दया और टप्पू 3 लोग थे मेरी बैंड बजाने के लिए, अभी 4 हो गए। हेलो। नमस्कार जेठा भाई, मैं सपना होटल से शेट्टी बोल रहा हूँ। हाँ शेट्टी भाई बोलो, क्या हुआ? वो शादी हो गया। हाँ हो गया, क्यों? नहीं फिर वो आपका साला सुंदर और वो पार्टी किधर है? वो लोग तो गए अहमदाबाद। अहमदाबाद गया? वो हमको बोला था कि सुबह को चेकआउट करेगा। नहीं नहीं नहीं, वो गए, वो लोग अहमदाबाद गए। फिर हमारा बिल नहीं दिया? सॉरी मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, नहीं दिया होगा ना। ठीक है कल दुकान पे भेज देना, मैं दे दूंगा। वैसे कितना है? 37,520 रुपया। 37,000? कितना रूम रखा था उसने, और क्या रूम का भाड़ा क्या रखा है तुमने? जेठा भाई वैसे रूम का भाड़ा तो 14,520 रुपया है, तो बाकी का 23,000? ना ही पूछो तो अच्छा है। अरे मत पूछो, मतलब क्या शेट्टी भाई है, कोई छोटा मोटा अमाउंट थोड़ी है, 23,000 रुपया। आप कुछ भी बोलोगे मैं कुछ भी दे दूंगा। देखो जेठा भाई, वो बोलने को शर्म आता है, आपका मेरा पुराना दोस्ती है इसलिए अभी तक चुप हूँ, वरना अभी तक पुलिस से बुला लिया होता। वो आपके साले सुंदर के साथ में आए हुए मेहमान लोग मेरा होटल से 40 टॉवल, 25 बल्ब, सारा तकिया चादर सब कुछ लेके चला गया जी, बाथरूम का नल भी नहीं छोड़ा। सॉरी सेठी भाई, माफ करना, मैं कल खुद आके आपको पूरा पैसा देके जाऊंगा। तो ठीक है जी। भगवान ऐसा साला किसी को मत देना। बेटा क्या किया तूने दया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, बहुत डर गई लगता है। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बहू? क्यों रो रही हो? ये भाई ये जेठिया, क्या हुआ, छोटी बहू को डांटा क्या तूने? अरे बाबूजी मैं तो यहाँ चुपचाप सो रहा था, ये दया ने मुझे उठाया तब मैं उठाऊँ। बेटा शांत हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है? मुझे मुझे इनकी कराटों की आवाज से डर लगता है, कितने जोर से कराटे लेते हैं। क्या आप भी? आपके नाक की वजह से टप्पू के ससुराल में हमारी नाक कट जाएगी। क्या? अरे लेकिन मुझे खर्राटे आता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नाक कटवा दे, ना रहेगी नाक और ना रहेंगे खर्राटे। शांत हो जाओ टीना। पर टप्पू
he snores horribly. Even horror movies don't have such horrible sounds. I know, yaar, but really can't help it. Tappu, his snoring really scares me off. But what do I do? Can't even ask him to get out. Please try to understand, yaar. No. No. क्या भाई तुम लोग कब से इंग्लिश में चटर पटर कर रहे हो? क्या उनको भी समझ में ऐसा कुछ बोला? टप्पू कह रहा है कि आपको रूम से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? ए भाई, ए जेठा, चल उठ, चल चल चल, तेरी चद्दर तकिया सब लेकर चल बाहर निकल, चल बाहर के रूम में सो जा। पर बापूजी मैं कहाँ सोऊं? सुनिए, जय जिनेंद्र। पप्पू जी बाहर एसी भी नहीं है, इधर नीचे सो जाऊंगा बस। चल चले रे, सो जा छोटी बहू, सो जा। चल टप्पू। गुड नाइट टीना। गुड नाइट। सो जा बेटा, अब डरना नहीं है। ये भाई, ये जामवन, खबरदार, जो अभी तूने खर्राटे लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? चल टप्पू। बोलो, अपने घर में मैं चैन से खर्राटे भी नहीं ले सकता। एक दिन मुझे विधाता से मिलना है और पूछना है, कौन सी वो शुभ घड़ी थी जिसमें आपने मेरी कुंडली लिखी? बोलो। सुबह सुबह बात करता हूँ। किसको क्या? अरे आप टीना बहू को रुलाना बंद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपकी नींद बंद कीजिए या फिर आपके घर आते। जेठिया, अब तू सोएगा नहीं, अब तू यहीं पे बैठ के पूरी रात जागेगा, और अगर तू सोया तो तुम तीनों घर से बाहर जाओगे, समझे? तो फिर घर में कौन सोएगा? ये भाई, ए, तुम तीन, मतलब ये चद्दर तकिया और तू। चल डब्बू, छोटी बहू जा सो जा, जा जा बेटा सो जा। चल डब्बू। सुनिए, आप पूरी रात जागने वाले हैं? जागने वाले हैं तो ऐसे ही बैठे बैठे आप तो बोर हो जाएंगे। घर में 20 किलो गेहूं पड़े हैं, तो जरा साफ कर दीजिए ना। अड़ोस पड़ोस के भी किसी के गेहूं है, ले आओ, सब एक साथ में साफ कर देता हूँ। अभी तो सब लोग सो रहे होंगे, कल सुबह जाकर ले आऊंगी, फिर कल रात साफ कर लेना। ये पागल औरत, उठ उठ। ओ
नॉनसेंस। तकिया किधर है मेरा? इधर अगर सो गया तो बापूजी अभी घर से बाहर ही निकाल देंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही बाहर जाके सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी, आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? आपने अपने टेरेस को अपना बेडरूम कब से बना लिया? क्या हुआ, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? कुछ नहीं, बहुत टेंशन में हूँ। इतना टेंशन है कि अगर आप मेरे टेंशन के बारे में सुनेंगे ना बबीता जी, तो सीधा रो पड़ेंगे, वो भी मेरे कंधे पे सर रख के जी। लेकिन नहीं, डरिए नहीं, मैं आपको सुबह सुबह रुलाऊंगा नहीं, इसलिए मैं अपने टेंशन की बात आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपका जरूर बताना चाहूंगा। थैंक यू किस लिए? सुबह सुबह आपका फेस ऐसे फेस टू फेस देखने को मिला, उसके लिए। अभी मुझे पूरा यकीन है आज का मेरा दिन एकदम अच्छा जाएगा बिना टेंशन का। अरे, आ गया टेंशन। बबीता जी, आप सुबह सुबह यहाँ? अब वो एक्चुअली क्या है ना, अय्यर के दोस्त की शादी है, यू नो इट्स अ गुजराती वेडिंग, सो मैंने सोचा मैं आपसे एक प्यारी सी बांधनी साड़ी ले जाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। अब सुनिए, बहू बहुत रो रही है। अभी क्या हुआ? अभी तो मैं इधर क्यों रो रही है? अरे, उसको ब्रेड पर लगाने के लिए चीकू का जाम चाहिए। चीकू जाम? आप अब्दुल की दुकान से लेकर आइए ना। ओ, अब्दुल ऐसा कुछ रखता नहीं है, उधर नहीं मिलेगा। अरे तो जहाँ पर मिल रहा हो वहाँ से लेकर आइए ना। अरे मुझे क्या पता कहाँ मिलता है दया। आपको नहीं लाना है ना, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। आप ही बताइए, आज बहू का पहला दिन है, वो जो मांगेगी वो उसको देना चाहिए कि नहीं? वो कितना रो रही है पता है आपको? और वो क्या सोचेगी, उसका ससुर इतना कंजूस है कि उसको चीकू का जाम तक नहीं दिला सकता। एक तो इनकी वजह से वो बेचारी पूरी रात सो नहीं पाई। हाँ, इनके घर राटी। बस मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, चलिए जल्दी कीजिए। अरे पर इसमें से बाहर निकलना तो चाहिए क्या? नहीं, अरे बहू रो रही है। एक मिनट, हाथ दे जरा। हाँ लीजिए। बबीता जी जरा हाथ। अरे अरे क्या कर रही है? पागल हो गई है तू? माफ करना, आपको तो लगा नहीं है ना बबीता जी? तू क्या पूरा खटिया मेरे ऊपर? तू क्या बचा रही थी? बचा रही थी तू? मेरे सच्ची में खटिया खड़ी कर दी। चलिए आपको साड़ी दे देती। हाँ चलो चलो। दया, अरे चाय मिलेगी या पड़ोसी के घर जाके पीनी है आज? ये भाई, ये सुबह सुबह मुर्गे की तरह कुकड़े कू क्यों कर रहे हैं? बापू जी, तो दुकान जाने में देर हो रही है, ये चाय अभी तक नहीं लाई। दया, आ रही है चाय, आ रही है। कहाँ से? आसाम से। क्या अभी? अरे टीना बहू खुद अपने हाथों से चाय बनाकर ला रही है। मम्मी, तुमने पहले दिन ही टीना को किचन में भेज दिया? अरे बेटा, उसने खुद अपनी खुशी से चाय बनाई है। चाय तैयार है, आओ आओ बेटा।
रखो। तुम्हें चाय बनानी आती है? हाँ, बहुत सिंपल है। देखो, पहले पतीला लेने का, उसके अंदर पानी, फिर शक्कर, फिर चाय पत्ती, फिर अदरक और फिर दूध डालने का। चाय तैयार। देखा, लीजिए लीजिए, चाय लीजिए। ला लीजिए। ले, पहले तू ले। हाँ, मुझे देर हो रही है बाप। वाह बेटा, वाह। लो टप्पू। देखा बापूजी, कैसी लगी चाय? बेटा, तुमने ये सब पतीले में लिया, फिर उसको गैस पे उबाला था क्या? नहीं ना बाबा, ना गैस के पास कौन जाएगा? मम्मी ने मना किया गैस के पास जाने के लिए। बापूजी, मतलब पतीले में ये सब मिक्स करके ऐसे ही कप में डाल। छोटी बहू, चाय बहुत अच्छी बनी है। तो और बना के लाओ। बापूजी को दो। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाय डब्बू। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना, शी सोनू, माय बेस्ट फ्रेंड। टीना, ही इज गोली, गोगी एंड पिंकू। हाय। हाय टप्पू, तुम स्कूल नहीं आ रहे हो? नहीं सोनू, अब टप्पू स्कूल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टप्पू अब शादीशुदा है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसीलिए टप्पू दुकान पे जाके कमाएगा। देखा, आज से मेरा टप्पू दुकान जाएगा। तो मैं आज से स्कूल जाता हूँ बापूजी। ठीक है, जा। ओहो, अरे दया, दया आ रही हूँ, बोलिए। और टप्पू तैयार हुआ कि नहीं देखो। मैं तैयार हूँ पापा। कितना अच्छा लगा ना, बच्चे को बाप के रूप में देख के। मजा तो आपको भी बहुत आया होगा, मुझे भी बड़ा आया। बच्चे जब बड़ों की जिम्मेदारियां उठाने लगे तो सचमुच बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर बचपने में बड़ों जैसा कहने लगे, बड़ों जैसा करने लगे तो बहुत खराब लगते हैं। असल में सचमुच आजकल कहीं बच्चों का बचपन खोता जा रहा है, और वो कम उम्र में वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं जो बड़े करते हैं, और हम भी शायद उन्हें बड़ा बनाने पर तुले हुए। बहुत अच्छा शेर दिमाग में आता है कि इस ज़माने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, ए खुदा बच्चों को बच्चा रहने दिया जाए। लेकिन हम है कि मानते नहीं। लेकिन अब जो हुआ है उसका हंगामा बड़ा होने वाला है। छोटी सी बहू, छोटा सा दूल्हा, जेठा जैसा ससुर, दया जैसी सास और चंपक जैसे दादा ससुर, अब ये सब मिलकर करेंगे हंगामा। और जब होगा हंगामा तो बहुत सारी हंसी आएगी। लेकिन मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपसे एक बात छुपा रहा हूँ, चलिए बता देता हूँ। वो बात ये है कि, खैर छोड़िए ना, एक दिन और इंतजार कर लीजिए, कल जरूर बता दूंगा, पक्का वादा मेरी तरफ से, भूलिएगा मत। कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सस्पेंस है जो मैं आपको कल बताऊंगा मजे के साथ। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।